जिनमें क्षमता है इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के कार्यक्रम में बदलाव, 14 की बजाय 15 नवम्बर को आएंगे नड्डा। शहीद सम्मान यात्रा और जनसभा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने किया पिथौरागढ़ में शारदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ, 344 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी अपनी सरकार पोर्टल का, एक क्लिक करने पर मिलेगी 75 सेवाएं, आम जनता को घर बैठे मिलेगी सुविधा, गुड गवर्नेंस के तहत तय होगी जवाबदेही और पारदर्शिता। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को 3 कैटेगरी में मिले अवार्ड, ऋषिकेश बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, जिम कॉर्बेट बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन और केदारनाथ बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। अब 14 की बजाय 15 नवंबर को नड्डा उत्तराखंड दौरे पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि 14 की बजाय 15 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम जो है वो तय है, और इस दौरान 15 ही नवंबर को शहीद सम्मान यात्रा में भी जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि 15 नवंबर से भाजपा अपनी शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है, और इसमें अब जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। चमोली जिले के सवार से शुरू होगी शहीद सम्मान यात्रा, और अल्मोड़ा में पार्टी की कई बैठकें लेंगे जेपी नड्डा। अब तक की ये खबर हमारे पास आई है कि कई बैठकें लेते भी अल्मोड़ा में जेपी नड्डा दिखाई देंगे। 16 नवंबर को रुद्रपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि 16 नवंबर को भी जो है बड़ी जनसभा को रुद्रपुर में जेपी नड्डा संबोधित करते नजर आएंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह गृह मंत्री जो थे वो भी चुनाव का बिगुल उत्तराखंड में बजा चुके हैं, और उसके बाद अब जेपी नड्डा के दौरे को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, और एक तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भाजपा काम कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का वक्त बेहद कम बचा है, और ऐसे में जेपी नड्डा के दौरे में भी फेरबदल हुआ है, और 15 नवंबर को शहीद सम्मान यात्रा में अब जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जेपी नड्डा के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, जो कार्यक्रम था वो जेपी नड्डा 15-16 का ही उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरा उनका था, लेकिन अब थोड़ा सा कार्यक्रम में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है
की जो शहीद सम्मान यात्रा 15 नवंबर को शुरू होने जा रही है, जो कि सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है और प्रदेश सरकार की यात्रा की तरफ से पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर जो शहीद सम्मान यात्रा है वो निकाली जा रही है। तो उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो शामिल होंगे। पहले जो था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी था कि वो शामिल हो, लेकिन राजनाथ सिंह जो इस यात्रा में शामिल होंगे वो अब कुमाऊं में किसी स्थान से होंगे। वहीं अगर गढ़वाल की बात करें तो जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे जो शहीद सम्मान यात्रा। और ये थोड़ा सा बदलाव जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर हुआ है, और पहले उन्हें सीधे कुमाऊं पहुंचना था जहां वो अल्मोड़ा और रुद्रपुर में दो दिवसीय उनका ये दौरा था, लेकिन अब वो गढ़वाल मंडल में भी आ रहे हैं और चमोली जिले में जहां से ये यात्रा शुरू होनी है वहां पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर आंशिक परिवर्तन जो ये जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा का है उसमें हुआ है। कह सकते हैं कि पहले कुमाऊं में जेपी नड्डा आ रहे थे, लेकिन अब कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह पर जेपी नड्डा आएंगे और जो यहाँ पर शहीद सम्मान यात्रा है उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। वहां पर भी जो रैली है उसको जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में दो जगहों पर बड़े कार्यक्रम रखे गए थे, हालांकि अब जो अल्मोड़ा में जो रैली होनी थी उसे शायद भाजपा ना करे, क्योंकि उसी दिन अगर वो चमोली जनपद में रैली को संबोधित करते दो बड़ी जनसभाएं करना थोड़ा सा समय के उससे यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए रुद्रपुर में जो 16 नवंबर को है वो एक जनसभा को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो आंशिक परिवर्तन हुआ है जेपी नड्डा के इस दौरे में। जी मनीष, जैसा आप बता रहे कि कार्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, मनीष और क्या जानकारी, और क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं? मतलब जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि अब जो है गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी दोनों जगह पर जो है जेपी नड्डा का दौरा है, तो और क्या जानकारी कि क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, सीधे तौर से जो जानकारी भाजपा सूत्रों से मिल रही है वो यही मिल रही है कि अब शहीद सम्मान यात्रा में तो जेपी नड्डा शामिल होंगी, लेकिन जो अल्मोड़ा में है वहां पर जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक ले सकते हैं, और जो अल्मोड़ा जनपद के भाजपा के जो कोर ग्रुप है उसकी भी बैठक जेपी नड्डा ले सकते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी वहां पर बातचीत कर सकते हैं। और जो एक कोई हस्ती अल्मोड़ा जनपद में होगी उनके घर पर जाने का कार्यक्रम भी जेपी नड्डा का होगा। साथ ही किसी मंदिर में दर्शन के लिए जेपी नड्डा जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो 4-5 कार्यक्रम होते हैं वो लगभग तय होते हैं। जब भी कोई बड़ा नेता आता है किसी के घर भोज करना, किसी हस्ती के घर जाना और जो मंदिर का जो दर्शन है उसको भी यहाँ पर भाजपा लगातार करती आई है जो बड़े नेता आते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4-5 कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम कुमाऊं में होगा वो रुद्रपुर में एक बड़ी जनसभा को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। और कह सकते हैं कि जो चुनावी जनसभा होगी जेपी नड्डा की, एक बड़ी जनसभा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उत्तराखंड में अमित शाह जहां एक तरफ से चुनावी संकनाद कर चुके हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब उत्तराखंड में चुनावी संकनाद अपनी रैली के जरिए करने जा रहे हैं। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव सिंह मैदान में आयोजित शारदोत्सव और विकास प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने 343,84,65,126 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का नाम स्वर्गीय प्रकाश पंत के नाम पर किए जाने और जिला मुख्यालय के पांडे गांव से निराड़ा तक सड़क का निर्माण किए जाने, शारदोत्सव में विकास प्रदर्शनी के लिए हर साल 50 लाख रुपए सरकारी अनुदान दिए जाने जैसी कई घोषणाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रदेश को बनाने में हमारी मातृशक्ति की बड़ी भूमिका रही है। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को मजबूती के लिए 118 करोड़ कोविड राहत पैकेज जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपनी सरकार पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले हफ्ते इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में इस तरह की शुरुआत अपने आप में एक अनूठी पहल है। इस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड की आम जनता जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित कुल 10 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेगी।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को हरीश रावत को टारगेट नहीं करना चाहिए, टारगेट करने से हरीश रावत मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, ना कि भाजपा और हरीश रावत की। अब मैं बिल्कुल, मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को कभी। भाजपा गलत ट्रैक पर जा रही है जो हरीश रावत, देखो लड़ाई जो है प्रदेश के अंदर भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है।